अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। टुडे वी डिस्कस द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर व्हिच इज लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड व्हिच वी डिस्कस द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। आपने करना क्या है, अंडर रूट लगाना है दोनों साइड में, देन एक्स स्क्वायर से स्क्वायर जो है अब यार रूट से कैंसिल हो जाएगा, देन अंडर रूट 4 व्हिच इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। सेकंड आपके पास है इफ एक्स स्क्वायर माइनस 35 इज इक्वल टू 1 देन एक्स इज, तो माइनस 35 शिफ्ट आप करेंगे इस तरफ तो आपके पास प्लस 35 एंड प्लस 35 प्लस 1 व्हिच इज इक्वल टू 36 एंड अंडर रूट 36 तो आपके पास आंसर आएगा प्लस माइनस 6। नेक्स्ट नंबर 3 पे है इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज इक्वल टू वाई देन एक्स इज इक्वल टू एंड वाई इज इक्वल टू। अगर आपके पास एक्स प्लस वाई जो है 4 के बराबर है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी। ए आपके पास एक्स इज इक्वल टू 1 है, वाई इज इक्वल टू 3, एक्स 3 वाई इज इक्वल टू 3, एक्स 2 वाई 2 एंड एक्स इज इक्वल टू 3 वाई इज इक्वल टू 1। तो आपको बारी बारी एक एक वैल्यू को पुट करना है। अगर हम देखते हैं इस वैल्यू को तो एक्स 1 प्लस वाई 3 तो आपके पास जो है 3 प्लस 1 4 के इक्विवेलेंट हो रहा है। और नेक्स्ट अगर हम देखते हैं आगे आपके पास तो इसमें जो है आपके पास अगर हम इस वैल्यू को देखते हैं तो आपके पास 4 के इक्विवेलेंट हो गया। इट्स मीन इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखते हैं 3x की वैल्यू डालते हैं और y की वैल्यू भी 3 तो आपके पास 3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 6, तो ये इसका मतलब बी ऑप्शन गलत है। सेकेंड आपके पास सी ऑप्शन है 2 प्लस 2 अगर हम दोनों को, जबकि यहाँ बोला गया था x इज इक्वल टू y, तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो सी इज द राइट ऑप्शन इन विच x is equal to 2 and y is equal to 2, तो दोनों आपके पास right option C। Fourth पे आपके पास the equation 2x plus 3 is equal to a is also called, तो ये याद रखिएगा कि आपके पास ये बाज स्टूडेंट गलती करते हैं। A पे आपके पास linear equation है, quadratic equation है, incomplete equation है, none of the above, तो इसमें वो quadratic equation लगा के जाते हैं जबकि quadratic equation इसका right option नहीं है। Reason क्या है आपके पास कि quadratic equation में हमारे पास हम variable में देखते हैं 2x square प्लस 3x एंड देन माइनस 8 के आपके पास एक वैल्यू कांस्टेंट रहती है, जबकि एक में आपके पास फर्स्ट वैल्यू में वेरिएबल के साथ पावर एंड सेकंड पे वेरिएबल देन थर्ड पे आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होती है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यहाँ पे कोई फॉर्मेशन नजर नहीं आ रही। ये लीनियर इक्वेशन है जिसे हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी कहते हैं। क्लियर। नंबर 5th पे आपके पास फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी आर, तो आपको ये मालूम है एक्स की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं है तो आपके पास क्या होगा 1 एंड बी की वैल्यू हमारे पास एक्स की होती है जो कि डिनोटेड नहीं है, इसका मतलब 0 से प्रेजेंट दे सकते हैं और सी की वैल्यू क्या होगी माइनस 9। तो यहाँ देखते हैं आपके पास राइट ऑप्शन कहाँ पे, डी ए 1 बी इज इक्वल टू 0 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 9। नेक्स्ट चलते हैं, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ऑलवेज, आपसे पिछले उसमें भी हमने बात की थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 रूट्स मौजूद होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास बी है जिसमें 2 दिए हुए। क्लियर। 7 पे इफ एक्स स्क्वायर माइनस 60 इज इक्वल टू 4 देन एक्स इज इक्वल टू, तो माइनस 60 इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपके पास 64 हो जाएगा एंड अंडर रूट 64 व्हिच इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। नंबर 8 पे आपके पास यहां सेकंड डिग्री इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड, सेकंड डिग्री इक्वेशन को और क्या नाम दिया जाता है, तो आपके पास इसका राइट ऑप्शन क्या है, क्वाड्रेटिक, स्पेलिंग मिस्टेक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। या फिर 9 पे आपके पास है इफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, अगर x माइनस y की वैल्यू 3 है, x प्लस y इज इक्वल टू 5 देन द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब आपको जो है सोच समझ के इस चार ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो भी आप सिलेक्ट करेंगे तो उसे इस तरीके से सिलेक्ट करना है कि आपने यहाँ वैल्यू रखनी है एंड देन गेन करना है। तो x पे अगर हम 4 रखें, y पे 1, तो 4 माइनस 1 तो आपके पास जो है ऑलरेडी 3 हो जाएगा, पॉजिटिव 3, और 4 प्लस 1 अगर करते हैं तो भी 5 हो जाएगा। क्लियर। बी ऑप्शन अगर हम ट्राई करते हैं तो एक्स 1 है माइनस 4 तो ये आपके पास गलत हो जाएगा क्योंकि माइनस 3 जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है। एक्स 2 और वाई 8 रखते हैं तो 2 और माइनस 8 तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, रीजन क्या आपके पास के 2 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 6, माइनस 6 तो यहाँ पे मौजूद नहीं है। इट्स मीन कि आपका राइट ऑप्शन ए है, बी है, सॉरी बी पे आपके पास एक्स 1 है, बल्कि सॉरी इसमें गलत कर दिया है, ए इसका राइट ऑप्शन है क्योंकि एक्स आपके पास जो है 4 होगा माइनस वाई की वैल्यू 1 होगी तभी आपके पास 3 रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास 10 है, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड, जैसे पिछले एमसीक्यूज में बता चुका हूं मैं, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी कहते हैं इसको, पैराबोला हाइपरबोला नहीं कहते, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।
इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी।